आप लोगों के सामने यहाँ पे भैया देखिए प्रश्न दिखाई दे दिया है, आप इसको पढ़िए और जवाब दीजिए, तुरंत ताबड़तोड़ जवाब देना है मेरे भाई। यहाँ पर बोल रहा है कि थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, शक्ति उत्पादन जो है आधारित है, मतलब कौन सी साइकिल पर बताइए, थर्मल पावर प्लांट पर जो होता पावर वह किस साइकिल पर जो है बेस्ड होता बताइए, बोल मेरे भाई पढ़ते हो ताबड़तोड़ बताओ, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए रैंकाइन साइकिल कहीं लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए सही है, थर्मल पावर प्लांट जो होता है रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होता है, ठीक है, बस आप लोगों को देखना है, कच्चा चबाना है और आगे बढ़ना है। अब आप लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि बाइनरी वेपर साइकिल का उपयोग जो है भैया क्यों किया जाता है बताइए, चार विकल्प को पढ़िए, बोल रहा है कि टर्बाइन की दक्षता में वृद्धि, सेकेंड बोल रहा है कि संयंत्र की दक्षता में वृद्धि, बस बस मेरे भाई आगे हम क्या पढ़ें, ऑप्शन नंबर जो बी जो दिख रहा है ना, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, भैया प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बाइनरी वेपर साइकिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। मेरे यूपी पी सी एल जेई के शेरजबाज इसको देखिए बताइए, बोला है कि भारत के सबसे बड़े तापी ऊर्जा संयंत्र, मतलब बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की, ठीक, कह रहा है कि संयंत्र की जो क्षमता होती है क्या है, चार विकल्प दिया है बताइए, मेगावाट में है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, आप लोग बताइए पढ़ते हैं मेरे भाई, क्या पढ़ते हैं बताइए, आप लोगों का एग्ज़ाम मेरे भाई अगस्त के लास्ट में चांस नहीं है, लेकिन मेरे भाई सितंबर में, मतलब कुल मिला जुला के आप लोग ये तैयारी में जुट जाइए, चाहे एग्ज़ाम जब भी हो, बताइए क्या होगा जवाब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है 4760 मेगावाट, ठीक है मेरे भाई, सारा पेपर जो है, सारा जो क्वेश्चन जो मेरे भाई है यूपी पी सी एल जेई से आज जो लिए हैं, बस आप लोगों को देखना है और हाँ ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है कि निम्न में से कौन से ऊर्जा संयंत्र को ऊर्जा की समान मात्रा उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी बताइए, चार विकल्प दिया है, कह रहा है डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, बस बस ऑप्शन नंबर जो सी है भैया यही सही है, ठीक है, आप लोग जो प्रश्न को विधिवत जो है वीडियो को स्टॉप करके पूरा पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को ढेर सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप लोगों को प्रश्न दिखा करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझदार हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है कि इकोनोमाइजर का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है बताइए, चार विकल्प दिया है, आप लोग आराम से प्रश्न को पढ़िए, विकल्प को पढ़िए बताइए, इसके बाद मैं बताऊंगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पहले आप बताइए, जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी को देखिए, फीड वाटर को, ठीक है, फीड वाटर को गर्म करने के लिए भैया जो है इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपी पी सी एल जेई के शेरजबाज इस वाले क्वेश्चन को ना आप लोग कच्चा चबा के खा के दिखाओगे, मुझे पता है, बोल रहा प्रश्न में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस प्रकार के सिद्धांत की टर्बाइन का उपयोग किया जाता है बताइए, चार विकल्प दिया है, पहला बोल रहा है इनमें से कोई नहीं बताइए, बी में बोल रहा है इम्पल्स टाइप, और सी में बोल रहा है भैया इम्पल्स टाइप और रिएक्शन टाइप, और डी में बोल रहा है रिएक्शन टाइप, अब बताइए, प्रश्न उल्टा पुल्टा दिया है, और लेकिन आप लोगों को पता है, ठीक है, इम्पल्स और रिएक्शन दोनों होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, और आप लोग जवाब दे दिए होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और ताबड़तोड़ पढ़ते हैं भैया, आइए बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को बताइए, कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सर्ज टैंक का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए, सारा जो है यूपी पी सी एल जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बताइए, चार विकल्प देखिए, फिर बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, सेकेंड बोल रहा है भैया पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए, बस 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 ऑप्शन नंबर बी सही है, आगे हम क्या पढ़ें, टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कपलान टर्बाइन किस हेड के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए, चार विकल्प दिया है, यहाँ पे भैया जो है मीडियम हाई लो बताइए,
पढ़ते हो मेरे भाई बताओ, यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो बोलो, जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कपलान टर्बाइन जो होता है लो हेड के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे यूपी पीसीएल जेई के सेरजबाज, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब निम्न रेडियो उप उत्पादों में से कौन सा परमाणु प्रतिक्रिया से निकलता है। चार विकल्प दिया है, यूपी पीसीएल जेई में आया हुआ है। बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सभी। ठीक है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप लोग जो है पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको नोट में कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी आप लोग लिखते हैं लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मेरे यूपी पीसीएल जेई के सेर जवाब, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। बोल रहा भैया कि डीजल पावर प्लांट की क्षमता क्या है। चार विकल्प दिया है, बताओ। पढ़ो मेरे भाई पढ़ो, ऐसे ऐसे जब प्रश्न जब आएंगे ना चुन्नी गर्म हो जाएगा। बताओ कैसे होगा, क्या होगा जब बताइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ठीक है, क्या लिखा है, 75 से ठीक है 3750 किलोवाट तक होता है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, बोला कि डीजल पावर स्टेशन की क्षमता कितनी होती है, अब बताओ क्या लिखोगे। परसेंटेज में दिया है, चार विकल्प को ध्यान से देखिए, क्या होगा जवाब बताइए मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले आप बताइए, बोलिए मेरे भाई, आप लोगों को बोलना होगा और पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग यूपी पीसीएल जेई के सिर जवाज हो और हर प्रश्नों को जो है कच्चा चबा के खाते हो मेरे भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो डी सही है, ठीक है, 35 से लेकर के 42% होता है। मेरे यूपी पीसीएल जेई के सेरजबाज, बस दो मिनट और, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैर परंपरागत प्रणाली, अच्छा नॉन कन्वेंशनल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भैया जो है चार विकल्प दिया है, कह रहा है कि डीजल ये तो नहीं है, तो जो है कन्वेंशनल वाला है। ठीक है, और भैया न्यूक्लियर ये भी है, लेकिन टाइडियल जो होता है भैया, टाइडल एनर्जी वाला, ज्वारी ऊर्जा, याद आ रहा है पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर वाला भैया। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बाकी जितना भी दिख रहा है सब क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी वाला सोर्स वाला है मेरे भाई। मैं इस वाले वीडियो में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बस केवल जो है दिखा के आगे बढ़ जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जितने भी वीडियो आप देखेंगे ना, 10 का दम बना हुआ है, क्वेश्चन पेपर सेट बना हुआ है, टेक्निकल नॉन टेक सब कुछ उसमें है, आप लोग देखेंगे। यदि आप लोग नए होंगे मेरे भाई तो एक बार ज़रूर देखिएगा, जो मेरे पुराने छात्र हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, जो कच्चा चबा के खाते हैं, खा चुके हैं, वो लोग जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बायोगैस संयंत्र में, ठीक है, गैस संग्राहक सामान्यतः आकार, मतलब आकार पूछा है। ठीक है, आप बताइए भैया, यहाँ पर दिया है शंकु, अच्छा बी में दिया है अर्ध गोलार्ध, सी में दिया है घनी और डी में दिया है सुंडाकार, अब बताओ कौन सा विकल्प सही है मेरे भाई, बताओ क्या सही है। यहाँ पर यूपी पीसीएल जेई 2016 में आया हुआ है, यहाँ पर भैया जवाब हो जाएगा हेमी स्फेरिकल, मतलब अर्ध गोलार्ध वाला होता है। ठीक है, आप लोग जो है प्रश्न को पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के सापेक्ष में प्लेट संग्राहक, अच्छा की दक्षता क्या होती है, प्लेट संग्राहक की बोल रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो क्या होगा जवाब बताइए। आज आप लोगों का मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ भैया कि आप लोग जो कितना पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो क्या करोगे। यहाँ पर भैया थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है, और आप बैठिए रूम पर बैठिए, किताब निकालिए और पावर प्लांट को धीरे धीरे जो है कच्चा चबा के खाना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 30 से 50% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन जो है लिया गया है, द इफिशियंसी ऑफ, ठीक है, सोवोनियस जो है विंड मिल, मतलब पवन चक्की की दक्षता कितनी होती है। अरे भैया अब बताओ, चार विकल्प ध्यान से देखो मेरे भाई और इस पसीने की कीमत को समझना। ठीक है, क्या होगा जवाब बताइए।
मेरे भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा। पहले आप बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, समझदार हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे भाई जो है दिया है 5, 15, 25 या 35%, बताइए। यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है 20 सही है, ठीक है, 15% होगा। मेरे भाई देखो, हमारा प्रयास रहता है कि हम छोटे से वीडियो में आप लोगों को जो है कम टाइम में, ठीक है, ताबड़तोड़ बता दूं। इसके बारे में मेरे भाई मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं व्याख्या नहीं किया हूँ, ठीक है, व्याख्या करेंगे मेरे भाई तो वीडियो और ज़्यादा लंबा बनेगा, और आप लोग पढ़ते हैं, समझदार हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद, और इस पसीने की कीमत को समझिएगा, ठीक है।